अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद असलम आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं शेखुपुरा की शान, शेखुपुरा की आन, खिज़र हयात दर्द साहब के साथ आज हम मौजूद हैं, जो ये परात के साथ इस तरह का म्यूज़िक बजाते हैं कि नाज़रीन, म्यूज़िशन बड़े बड़े स्टूडियो के अंदर बैठ के भी इस तरह का म्यूज़िक नहीं बजा सकते। आप देख सकते हैं ये एक सिंपल परात है, आप ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये सिंपल एक परात है। इनसे इस तरह का साज निकालेंगे कि आप भी नाज़रीन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, तुसी परात दे विचों ही सारे म्यूजिक सीजन हर चीज़ कर दे। जी परात ही चो नहीं, हत्थां चो निकलदे ने, परात चो ते हर को कढ ले। नाज़रीन तुसी हुण फन वेखना है ते खिज़रिया साहब शुरू करो तुसी हुण। नाज़रीन, आपने देखा कि ये एक परात है और इनके अंदर हाथों के अंदर ही आप देख सकते हैं छल्ले हैं। ये तो हर नौजवानों के हाथ में आप देख सकते हैं आजकल, और इनकी ये एक दाएं हाथ की एक उंगली देख सकते हैं आप। ये देखें, ये थोड़ी देर कटी गई इसी दरवाजे चाह के, वैसे पहले मुकम्मल सी, पैदाइशी नहीं है। एक मैं प्रोग्राम तो शादी दी गया से, उसे मेरी उंगल दरवाजे चाह के कट गई सी। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में ये छल्ले हैं, दो उंगलियों में इधर है, ये दो इधर हैं पहने हुए। इनसे आपने इस किस्म का साज़ सुना कि आप बड़े बड़े स्टूडियो में भी चले जाएंगे, इस तरह का साज़ आपको सुनने में नहीं मिलेगा। खिज़रिया दर साहब, तुसी ये सीखिया किसे को लोया चीज़? जी असल गल भी बगैर उस्ताद तो कुछ भी नहीं हुंदा, बिना मुर्शिदा राह नहीं हाथों दे, दुधा रवा बाज नरीज की खीर साई बाबे वारिस शाह फरमा गए ने। बाकी अल्लाह की देन है, वो किसी वेले भी कुछ अता कर दे मालिक, वो घर च कमी कोई नहीं। तो उस्ताद केड़ा है इस काम? मेरा जी उस्ताद तकरीबन मैं कहदा है, दी ट्रेनिंग किसी को नहीं ली, ये बचपन दे मैंने शौक सी। पहले जी एक मैं डोना हुंदा गड़वा, पहले वो मैं वजाया करता सी डोना, ए सिल्वर दे डोने हुंदे सन, तकरीबन 8-10 किलो पानी विच पैना, पिंडां दे विच दुध शोधा ले, पहले मैं वो वजांदा हुंदा सी चारपाई ते बह के। उत्थों फिर इन्हां दे हत्थां दे विच बस आहिस्ता 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 इजाफा हुंदा गया, फिर मैं परात ते नाल थोड़ी बहुत रैसल करनी आप ही, तो फिर पिंडा थावां दे विच शादियां व्याहां दे लोग लै जाणा घरां दे विच, बीबियां भैणां दे विच जाके धीआं भैणां दे नाल उन्होंने सुनना, चारों तरफ बह जाना चारपाइया डा के, इंज जिवें हुण बैठे हाँ इंज जमीन ते बह के फिर गाना, लोगों ने मेरी हौसला अफजाई करनी, दाद देनी मेरे फन दी। वो फिर नाज़रीन ये देख सकते हैं कि ये आंखों से ब्लाइंड है, बचपन से ही हैं जी, बचपन से ही पैदाइशी ही ये आंखों से माजूर हैं, और आप देख सकते हैं कि इस किस्म का साज आपको बड़े बड़े स्टूडियोज़ के अंदर भी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है नाज़रीन कि इनका कोई इस काम में कोई उस्ताद नहीं है। आजकल कहते हैं कि किसी कोई भी कामयाब इंसान हो ना, अगर वो किसी अगर वो किसी को उस्ताद नहीं ना रखेगा तो कामयाब नहीं हो सकता वो, तो इनका कोई उस्ताद भी नहीं है। खिज़र या साहब से हम गुजारिश करेंगे कि को आखिरी कोई ऐसे म्यूज़िशन निकाल के दिखाएं। जरा देखो जी,
ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਡਰਮ ਸੈੱਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੁੰਬਰ ਵਗੈਰਾ, ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਇਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਦ ਕੁ ਬੋਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜਖਲੀਆਂ ਵੀ ਢੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਾਏ ਰੁੱਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੱਲੀਆਂ ਵੇ ਢੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵੇ ਢੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਠ ਤੇ ਚੜ ਵੇਖ ਵੇ ਢੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਠ ਤੇ ਚੜ ਵੇਖ ਵੇ ਢੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਓਏ ਭੰਨ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਟੇਕ ਵੇ ਢੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਢੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ناظرین آپ نے سنا کہ ہم خود پریشان ہو گئے کہ اس کے نیچے کوئی میوزک سیشن تو نہیں، کوئی چیز تو نہیں لگی ہوئی، یہ دیکھیں سمپل پرات ہے اس کے اندر سے اس طرح کا کچھ۔ خضر آدھر صاحب تسی کوئی کسی وڈے پروگرام یا کسی پلیٹ فارم تے گئے ہو؟ گئے تو ضرور ہاں، لوگوں نے پسند بھی کیتا، پر یہ وقت نہیں آیا کہ میں اپنے سارے ناظرین دے سامنے آ سکاں یا عوام دے سامنے آیا، کوئی مینوں شہرت ملے یا کچھ، یعنی کچھ حاصل نہیں ہویا۔ کیڑے پلیٹ فارم تے گئے ہو کوئی ساری ناظرین نوں دس سکدے ہو؟ مثلاً کہ اس طرح تے میرے آڈیو کیسٹ وغیرہ بھی مارکیٹ وچ آئے، سی ڈیز وغیرہ بھی آئی، تو تسی پہلے بھی سنیا کہ یوٹیوب تے میرے ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਸੱਤ ਰੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਣੇ ਸੁੱਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਏ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਡਰਮ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਿਆਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮੈਂ 12-14 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 1971 ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਅੱਗੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 1971 ਦੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ 1971 ਕੀ ਇਨਕੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਇਨਕੇ ਆਪ ਇਹ ਪ੍ਰਾਤ ਬਜਾਨੇ ਕਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਸਾਜ਼ ਨਿਕਾਲਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੇ ਵੀ ਬੜੋਂ ਪੇ ਕਾਮ ਕੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨੇ ਮਫਾਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਆ, ਲੋਕ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਕੇ ਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਸ ਕੇ ਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਇਹਨੇ ਇਨਕੀ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਆ, ਫੇਸ ਕੈਮ ਕਭੀ ਵੀ ਇਨਕੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਸਿਰਫ ਇਨਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਤੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਖਿਜ਼ਰ ਯਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਨੇ ਸੁਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਕਮਾਇਆ ਸਿਰਫ ਇਨਕੀ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਇਨਕਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਛੱਤ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਤੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਕੀ ਸ਼ਾਨ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਕੀ ਆਨ, ਖਿਜ਼ਰ ਹਯਾਤ ਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰੋਜ਼ ਬਟੂਆਂ ਵਾਲਾ। ਤੋ ਆਪ ਉਨਕੀ ਇਹ ਫਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਕਾ ਫਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਮੇਂ
20 सालों में इस तरह का फ़न, परात से हर चीज़, हर किस्म का म्यूज़िक निकालना मैंने कभी नहीं देखा। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद असलम को इजाज़त दे और देखते रहें लाहौर की बातें। पाकिस्तान जिंदाबाद।